जो आपके जीवन से जुड़े हैं। वैश्विक महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप कम हुआ नहीं कि तीसरी लहर का संकट भी सामने खड़ा हो गया। ऐसे में जमशेदपुर में प्रशासन पूरी तरीके से सजग है, सतर्क है, पर कई लोगों ने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया है, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही खतरनाक और भारी पड़ सकता है, घातक साबित हो सकता है। इसलिए कोरोना महामारी को हल्के में बिल्कुल ना लें। ये कब, कहां, कैसे, किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। एक रिपोर्ट आपको दिखा लेते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप भी सतर्क हो जाइए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोरोना अभी गया नहीं है, संक्रमण को हल्के में ना लें, लापरवाही कहीं ना पड़ जाए भारी। पहली लहर के बाद जैसे ही महामारी का प्रकोप कम हुआ, लोगों ने इस महामारी को हल्के में लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दूसरी लहर ने अपना विकराल रूप दिखा दिया। अब जब दूसरी लहर खत्म हो रही है और नया वेरिएंट लोगों को डरा रहा है, तब भी लोग बेपरवाह दिख रहे हैं। सवाल पूछा गया तो जवाब अटपटा ही मिला। दुकान पर छूट गया है सर, हमारे थोड़ा सामान खरीदने के लिए। अच्छा, ये लगातार बाजार में इतनी भीड़ हो रही है, लोग आना जाना कर रहे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, और अभी दूसरे लहर का प्रकोप कम हुआ, नहीं लगता है कि खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगा? नहीं, वो तो खतरा लगता है, लेकिन क्या कर, मजबूरी था तो भूल गया। तीसरी लहर को देखकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लोग बगैर मास्क के बाजार हाट में देखे जा रहे हैं। तस्वीर ऐसी है कि 100 में से मात्र 20 लोग ही मास्क लगाए दिखते हैं। मास्क आप लोग नहीं पहने हैं? ओ, मास्क भैया, मास्क पहनते हैं, अभी तो हॉस्पिटल में थे, अभी हॉस्पिटल से आए तो खुद हालत खराब। देखिए बताइए, मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो ये तो बीमारी बढ़ जाएगा ना? नहीं नहीं भैया, मास्क पहनते हैं, थोड़ा मोड़ा इधर उधर निकलना पड़ता है, इसलिए मास्क खोल। बच्चा कितने उम्र का है आपका? ये साल भर का। तो अभी साल भर के बच्चे को आप बाजार में लेके घूम रहे बगैर मास्क? सास ननद कोई नहीं है, अब अकेला हम है तो किसका भरोसा छोड़ दे। सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल ने कहा कि बड़े बड़े पर्व त्योहार पूरे देश में संपन्न हुए हैं, लोगों ने अब सामाजिक दूरी का पालन करना बंद कर दिया है, मास्क को पहनना भूल रहे हैं, ऐसे में स्थिति विकराल हो सकती है। पहले भी फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में भी ज्यादा इसी एरिया में मिले थे, और इस बार भी यहीं पर ज्यादा मिलने का हम लोग देख रहे हैं, संकेत मिल रहा है, मिल भी रहा है। तो लोगों को इस बात को समझना होगा कि अगर हमको इससे मुक्ति पानी है तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको अच्छी तरह से पालन करना होगा। और आजकल आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है, पब्लिक को इसके बारे में सोचना होगा कि कैसे हम लोग इससे। लापरवाही हमें खतरे में डाल सकती है, हर एक व्यक्ति को सजग और सतर्क रहना होगा, खुद के परिवार के साथ समाज को भी जागरूक करना होगा, वरना भयावह स्थिति के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही होंगे। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रवीण सिट्टी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।